कंप्यूटर टेक इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैज़ान। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक भी कीजिए। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं कोरल ड्रा, तो चलिए शुरू करते हैं कोरल ड्रा। तो चलिए कोरल ड्रा ओपन करते हैं, डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। और यहाँ इस बटन पर क्लिक करके न्यू फाइल लेंगे। इस बटन पर क्लिक करके भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ फाइल मेन्यू में जाकर न्यू पर क्लिक करके भी नई फाइल ले सकते हैं। यहीं पर नई फाइल को नाम दिया जा सकता है बिल्कुल शुरू में, ये जो पैनल आ रहा है इस पर, ये चलिए मैं दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम पेपर साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे तरह के पेपर होते हैं, नॉर्मली A4 का यूज़ होता है, और अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी कस्टम में जाकर यहाँ पर हाइट और विड्थ डाल सकते हैं। यहाँ से मिलीमीटर, इंचेस या जो भी स्केल आपको समझ में आता है। अगर आपको फीट समझ में आता है तो फीट में, और पिक्सल समझ में आता है तो पिक्सल्स में, या जो भी जिस भी साइज़ में वो चाहिए आपको पेपर वो ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें समझ में आता है इंच, हमें चाहिए 8x5 का, 8 इंच बाई 5 इंच का एक वो चाहिए हमें पेपर, जो है हमारा 8x5 का पेपर होगा। उसके बाद ये जो ये वाला होता है, ये दोनों पॉइंट, ये ओरिएंटेशन कहलाती है, ये पोर्ट्रेट कहलाती है, ये लैंडस्केप कहलाती है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है पेपर खड़े में आएगा, लैंडस्केप लेटे में आएगा, जैसे दिखाई दे रहा है। और नंबर ऑफ पेजेस दे सकते हैं कि एक पेज आएगा, दो पेज आएंगे, तीन पेज आएंगे या ज़्यादा आएंगे, ठीक है। और ये कलर होते हैं प्राइमरी कलर। अपने पिछले वीडियो में भी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। CMYK होते हैं डार्क कलर। डार्क कलर होते हैं जब हम किसी चीज़, किसी पेपर या किसी बैनर की प्रिंटिंग के लिए कलर देते हैं तो हमें डार्क कलर करने होते हैं, ठीक है। और कोई कार्ड वगैरह बनाना है तो हम RGB में भी बना सकते हैं छोटा मोटा, ठीक है। अगर बड़े कलर करने हैं तो डार्क कलर करने होते हैं ताकि वो प्रिंट होने के बाद लाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डार्क कलर CMYK होता है, और एक RGB होता है। इसमें चमकीले कलर होते हैं, चमकीले बहुत ज़्यादा चमक जाते हैं। अगर आप इसका RGB इमेज बनाएंगे, RGB वाले का इमेज बनाएंगे तो बहुत अजीब हो जाते हैं कलर बाद में फ़ोटो बनाने पर, ठीक है। तो CMYK बनानी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर DPI होती है, ये DPI 300 ही रखनी चाहिए, या इसको कम कर सकते हैं। और ज़्यादा करेंगे तो ये बहुत परेशान करेगा कोरल में भी खुलने में फ़ाइल, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रखना है और उसके बाद बस ओके करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओके कर दें और वो जो वेलकम स्क्रीन आ रही है उसको यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। अब हमारी वो फ़ाइल जो है दूसरी खुली हुई है फैज़ान नाम से, उस फाइल को बंद करने का बटन ये है और नई फाइल लेने का बटन ये है, ठीक है। तो ये जो हमारे सामने पेपर खुल कर आया है ये 8x5 का है, क्योंकि हमने इसको वहाँ पर कस्टम में साइज़ देकर 8x5 लिया था, ठीक है। तो अपने लास्ट वीडियो में हमने एक बॉक्स बनाना सीखा था और सर्कल बनाना सीखा था। अगर हम चाहते हैं कि हमारे इस पूरे साइज़ पर बॉक्स आ जाए इसके ही साइज़ का, तो हमें यहाँ अपने बॉक्स वाले रेक्टेंगल वाले टूल पर डबल क्लिक करना होता है और इसके ऊपर बॉक्स बन जाता है, बन गया है, ठीक है। बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बन गया है। अब हम इस बॉक्स की आउटलाइन बढ़ा सकते हैं, कैसे, मूव टूल लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसकी आउटलाइन बढ़ा सकते हैं, ठीक। ये इस तरह से ये आउटलाइन बढ़ जाती है, यहाँ से कितनी भी बढ़ा सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस कर्व टूल के बारे में और कलर प्लेट्स के बारे में। इस कर्व टूल के अंदर काफ़ी सारे टूल्स हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगा आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले कलर देख लेते हैं। कलर होता है कि जिसको आपने सेलेक्ट कर रखा है उसके अंदर आप कलर कर सकते हैं। काफ़ी सारे कलर हैं यहाँ पर, कोई भी कर सकते हैं। और अगर एक कलर पर क्लिक करके रखेंगे तो उसके अंदर के कलर आ जाएंगे खुलकर, और उसके बाद जो भी क्लिक करना है उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कलर कर सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा एक और शेप, हमने इस पर एक और बॉक्स बनाना है, हमने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। उसके बाद हम इस टूल को लेते हैं। इस टूल के अंदर ये होता है शेप टूल। शेप टूल का यूज़ होता है कि हमने जो शेप बनाया है उस शेप के हम कोने मोड़ सकते हैं इस तरह से। अगर हम एक कोने पर से क्लिक करके इसको आगे को या पीछे को करेंगे तो ये घूमने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से हम सर्कल वाले कोने बना सकते हैं इसी बॉक्स के,
देखिए ये बना दिया, और उसके बाद बाहर क्लिक कर देंगे मूव टूल लेकर, तो वो बॉक्स हमारा उस तरह का बन जाएगा। उसके बाद उसकी आउटलाइन बढ़ा सकते हैं, तो हम इस तरह से इसको बना सकते हैं, इस तरह के बॉक्स को। और अगर हमें चाहिए हो इसको डिलीट कर देंगे, हम कॉपी नहीं करेंगे, एक और बनाएंगे, एक और बॉक्स। अब हम चाहते हैं कि इस बॉक्स के कोने तो मुड़े, लेकिन एक साइड का एक कोना मुड़े और एक साइड का एक कोना मिले, तो उसके लिए भी यही टूल यूज़ होता है। यहाँ पर उसमें क्या करना होता है, इस पर क्लिक करना होता है दोबारा, कोने पर दो बार क्लिक करना होता है। तो दो बार क्लिक करने से इस तरह से एक साइड से वो पॉइंट बन जाता है, तो उस पॉइंट को घुमाने से ये एक ही तरफ से घूमता है, बाकी तीन तरफ से नहीं घूमता है। इसके बाद इधर भी इसी तरह से दो बार क्लिक करेंगे या एक बार क्लिक करेंगे तो वो बन जाएगा पॉइंट, और उसके बाद हम उसे एक साइड से घुमा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये वाले डिज़ाइन भी बना सकते हैं। उसके अलावा जो है इसमें दूसरा टूल होता है, तो ये जो ये स्मूथ टूल होता है, ये होता है लाइनिंग पर वर्क करने के लिए। ठीक है, अब लाइनिंग किस तरह से होगी, तो पहले हमें एक लाइन बनानी पड़ेगी। यहाँ से इस वाले टूल से बना लो या इस टूल से बना लो, एक लाइन खींच लेनी है। ये हमने ये खींच ली, ठीक है, इस वाले टूल से खींची है। ये पहले वाला टूल जो है ये लाइन खींचने के लिए होता है। उसके बाद हमने ये ले लिया है स्मूथ स्मूथ टूल, तो ये स्मूथ करने के लिए होता है लाइन को। लाइन जो है अगर थोड़ी बहुत मतलब गड़बड़ हो रही होती है, आड़ी तिरछी हो रही होती है, तो ये उसको स्मूथ कर देता है, एकसार कर देता है। ठीक है, लेकिन जहाँ ज़्यादा हो रही होगी वहाँ पर ये स्मूथ भी नहीं करेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये इसको स्मूथ कर देता है, ये कर दिया। ठीक, इस तरह से कर सकते हैं, ये कर दिया, ये स्मूथ टूल कहलाता है। अब इसने इस लाइन को स्मूथ कर दिया है, मतलब इसमें शुरू से आखिर तक एक ही पॉइंट रह जाएगा और ये इसको बिल्कुल फिनिश कर देगा साफ। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है स्मेल टूल। स्मेल टूल होता है कि किसी लाइन को अंदर की तरफ मोड़ने के लिए, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम उसके साथ वर्क कर सकते हैं। ये टूल होता है ये वाला। ट्रिल होता है घुमाने के लिए, ट्रिल टूल होता है घुमाने के लिए। जैसे कि आपने ये वाला बॉक्स बनाया हुआ है, आप चाहते हैं ये घूम जाए इस तरह से, तो इस बॉक्स के ऊपर ऊपर की तरफ क्लिक करना है और इस तरह से घुमाना है। क्लिक करके रखेंगे तो ये घूमने लगेगा। ठीक है, तो ये ट्रिल होता है। ट्रिल के मतलब टेढ़ा मेढ़ा करने से होते हैं। ठीक है, तो हम उसको कितना भी घुमा सकते हैं और अच्छे अच्छे जो है जैसे चाहे वैसे घुमाकर उसको डिज़ाइन दे सकते हैं। अब ये इधर को घूम रहा है, हम चाहते हैं इधर को घूमे, तो ये ऊपर जो एक बटन है ये इसलिए है कि ये इधर को घूमे। ठीक है, इस तरह से। और इस ब्रश का साइज़ कम भर्ती करने के लिए ये होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से या और कम कर लेते हैं, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं, इसको फिर इधर को घुमा सकते हैं कि ये हमें इस तरह से चाहिए। ठीक, तो ये ट्रिल होता है टेढ़ा मेढ़ा करने के लिए। उसके अलावा दूसरा होता है यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट होता है कि ये जितने भी पॉइंट्स बने हुए होते हैं, जैसे ये पॉइंट पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ना, इनको ये सबको अपनी तरफ को खींच लेता है, मतलब एक चिंग मैग्नेट की तरह होता है कि ये उसको अपनी तरफ को खींच लेता है। इस तरह से जहाँ भी हम क्लिक करके उसको क्लिक करेंगे उस तरह से वो उसको अपनी तरफ को खींच लेगा इस तरह से। ठीक, ये होती है मैग्नेट की तरह से अपनी तरफ को एब्स्ट्रैक्ट करता है। जो हमने पॉइंट बनाए होंगे, जो नई लाइंस बनाई होंगी, उनको सबको आपस में सिकोड़ता है। इसी तरह से रिपल होता है। रिपल होता है उसको छिदा करने के लिए, मतलब एक को अलग अलग करने के लिए बीच में से फैला देता है। जहाँ पर भी करके करेंगे वो उसको इस तरह से दिखा देगा, जैसा कि वो फिशाई वो इफ़ेक्ट होता है। इस तरह से ये रिपल होता है अलग अलग करने के लिए। ठीक है, स्मैश होता है। स्मैश टूल होता है, इसको दोबारा से जो है हम चाहते हैं, मैं इसको किसी नॉर्मल उस पर करके दिखाता हूँ, दोबारा से इस पर कर लेते हैं या गोल सर्कल पर कर लेते हैं। ठीक है, गोल सर्कल बना लेते हैं एक, और उसके बाद हम स्मैश टूल का यूज़ करेंगे। स्मैश टूल होता है कि हम इसको इस तरह से बनाना चाहते हैं, इस तरह से, मतलब ये उनकी तरह नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी से गोल गोल वो निकालता है इसके अंदर से। अब वो गोल को इनको ये अंदर को भी कर सकता है, बाहर को भी, चारों तरफ को कर सकता है। ठीक है, ये बने बनाए डिज़ाइन को एडजस्ट करने के लिए यूज़ में होता है। इसका हम साइज़ कम बढ़ती कर सकते हैं। ठीक है, इसमें साइज़ ये वाला इस तरह से कम बढ़ती कर लेंगे तो उसको
ये यूज़ में आ जाएगा। ठीक, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, तो ये यूज़ में आता है। उसके बाद हम चाहते हैं आउटलाइन ना आए, तो इसको कोई भी पहले एक कलर कर लो और उसके बाद आउटलाइन में जाकर नन पर क्लिक कर दो, तो ये इस तरह से आउटलाइन हट जाती है। तो जो चीज़ हमने इन टूल से बनाई होगी उनकी आउटलाइन हटाने के बाद ही वो अच्छी लगती हैं। जैसे कि अब ये देखो कितना बुरा लग रहा है, और आउटलाइन हटा देते हैं तो ये थोड़ा सही सा लगने लगता है। ठीक है, तो हम इन टूल की मदद से बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं, सबकी मदद से। इन सबको आपको खुद से क्रिएटिव करना है, मतलब एक बॉक्स बनाने के बाद उसको कितना अच्छा से आप स्ट्रेच कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, उसके बाद जो है हमने अगर ये बना लिया है और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसके अंदर दांते दांते मतलब कंघी वाला शेप हो जाए, तो उसके लिए ये वाला टूल होता है, ये वाला रोजर टूल। और इसको जब हम इधर फेराते हैं इस तरह से, तो वो कंघी वाला शेप इसमें निकल आता है इस तरह से। ठीक है, इधर इधर। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसी पर करें, हम किसी पर भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। और ये हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, इस वाले टूल पर भी, इस पर भी, येरा 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 येरा। ठीक है, इस तरह से फिर आएंगे तो ये दाँते दाँते कंघी यानी कंघी वाला शेप हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन चारों का यूज़ कर सकते हैं। ये स्मूथ है, मतलब लाइन को बीच में से पकड़कर इधर उधर को करने के लिए, लेकिन ये लाइन को पकड़ के करता है और वो एक गोल सर्कल देता है। और इसी तरह से ये वाला स्मेयर वाला, आपने इसको देखा था कि ये इस तरह से खींचता है, इससे भी हमने लाइन सी खींची थी। और ये ट्रिल होता है टेढ़ा मेढ़ा करने के लिए, ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, सबको अपनी तरफ खींचता है, ये एक्सट्रैक्ट करता है। इसी तरह से इनका यूज़ होता है। अभी फ़िलहाल मैं इनका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, बाद में हम इसको क्रिएटिव करेंगे किस तरह से करते हैं। ठीक है, अपने बाद के वीडियोज़ में जो सबसे लास्ट में होंगे, पहले हम कोरल ड्रा के सारी चीज़ों को बेसिक समझ लेंगे। अभी ये बेसिक्स है, लेकिन बेसिक अगर आपको नहीं पता होगा तो आप किसी की कितनी भी क्रिएटिव वीडियोज़ देख लीजिए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक ज़रूरी होता है। और ये हमने इसका बेसिक समझ लिया है, इन टूल्स का क्या यूज़ है। ठीक है, इन वाले सभी टूल्स को हमने समझ लिया है, तो इनको आप करके देखिए किस तरह से करते हैं, और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, आज मैंने बॉक्स बनाना बताया और ये सभी टूल का यूज़ बताया इनका, इनको भी आप देखिए, और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम आगे क्रॉप टूल पढ़ेंगे और ये टेक्स्ट टूल पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं। इसको बंद करते हैं, इसको नो कर देंगे, सेव नहीं करना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।